गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बनाने जा रही हूँ आज हरी मिर्च का सिरके वाला अचार। बहुत ही सिंपल बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए मेरी किचन में शेयर करती हूँ आपके साथ। ये सूखी मिर्च है, इसमें एक में से दो दो करके सुखा लेंगे इनको। फिर एक बोतल लेंगे कांच की और उसमें डाल देंगे ये हम विनेगर। विनेगर हम बाजार का ले रहे हैं, डार्क सोया सॉस है ये। तो मैं विनेगर गलत उठा लाई हूँ बोतल। तो ये है सूखी हुई मिर्च, इनको पहले अच्छे से धो लेंगे, फिर बीच में से काट के धूप में सुखा लेंगे। और ये लेंगे एक कांच की बोतल, इसमें डालेंगे विनेगर। और ये लेंगे एक कांच की बोतल, इसमें डालेंगे विनेगर। तो ये अलग अलग कंपनियों के आता है, कोई भी कंपनी का जो आपके पास हो उसको ऐसे इसमें डाल देंगे। मेरे पास इतना ही है, तो मैंने पहले से भी डाली हुई है। ये दो दिन में ही तैयार हो जाती है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और मिर्च जितनी हमें डालनी है। इसमें मिर्च डालते चले जाएंगे ये, और नमक डालेंगे। नमक बहुत ज्यादा नहीं, 100 ग्राम मतलब अपने अनुसार डाल लीजिए, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग फटाफट चल जाता है नमक। और ये गया सादा नमक, नमक आप सेंधा भी डाल सकते हैं, वैसे ये साधारण नमक है। और बस इसको रख देंगे, कल 24 घंटे में खाने लायक हो जाती है। और ये हमारा मिर्च का अचार। तो अगर आपके पास कम सिरका है तो भी काम चल जाएगा, अदरवाइज आप डुबो के रखें तो ज्यादा टाइम तक भी रह सकती हैं। और ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। नाइए और खाइए। अभी इनका ग्रीन कलर है, कल तक ये ऐसी हो जाएंगी और ये आप 2 साल भी रख सकते हैं, ये कभी भी खराब नहीं होंगी। और बहुत ही टेस्टी ये लगती हैं। मैंने 2 बोतल बनवाई हुई है, तो जब ये थोड़ा गल जाती है तो इसमें ट्रांसफर कर देती हूँ और इसमें डाल के रख देती हूँ, तब तक ये पीली पड़ेंगी। तो ऐसे ही 2 बोतल बना लीजिए, तो इनको इंस्टेंट भी खा सकते हैं। तो खाना वगैरह हमारा सबका हो गया है, कल शशांक का बर्थडे है तो केक कट करेंगे, इसलिए मैं जगी हुई हूँ, शशांक अभी सो गया है। तो ये है एक सीक्रेट, अब इसको मैं खोल के करती हूँ डब्बे में जो कि पूजा ने भेजा है। तो इन पैकेट के सामान को मैंने ट्रांसफर कर दिया है इस डब्बे में। ये है फेस वॉश, ये है कैश्यू, और ये सौंफ, और ये क्या है, ये है शायद परफ्यूम है और मुझे पता नहीं है, कल जब खोल के शशांक बताएगा। ये चॉकलेट, ये पूजा के गिफ्ट को मैंने खोल के रख दिया है। ये थोड़ा ढीला हो गया, गर्मी पड़ रही है। तो गाइस केक आ गया है, पर थोड़ा गर्मी की वजह से पिघल गया है ये। मैं जा रही हूँ बेबी को बुलाने, आ जाओ बेबी शशांक, आओ। और बेबी हो रहे हमारे लंगड़ थोड़े से। बेबी इतने मानते नहीं है, इतने लंगड़ ना हो जा। घुटने पे लगी थोड़ी साइड है। पापा रिपोर्टर बने थे जाए। घुटने मारी क्या? आ जाए ऐसे। अच्छा। बर्थडे बॉय अपने आप चला। हैप्पी बर्थडे टू Happy birthday to Shashank. Happy birthday to you. Thank you, Masa ji. Thank you, Mayank. Thank you, Mosi. Thank you, Papa. Thank you, Mummy. ये आप खिला दो पहले शशांक को। ग्रंथों में क्या लिखा है ये बताओ। ग्रंथों में लिखा जो जिसका दाव लगे वही कर लो। ग्रंथों में लिखा माँ को, ग्रंथों में माँ को दो पहले। क्या है कर रही हो? ऐसी कर रही हूँ, फोटो भी खींच रही हूँ। और ये पूजा का गिफ्ट, मैं तो जब से तो इसे सजाने लग रही है अब भूल गई।
ये पूजा के गिफ्ट है, छोटी मोटी छोटी मोटी। यो कह रही ये काजू बढ़िया है, छोटी की छोटी छोटी चीज भेज रही हूँ। बढ़िया काजू और ये मयंक, राकेश जी और सिटी बर्थडे एंजॉय कर रहे हैं पुणे से। और केक को अब मैं डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि ये बह चुका है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शशांक का बर्थडे है तो मैंने कुछ क्या बनाया है आपको बताती हूँ। मैंने बॉइल करे थे छोले कि सब घर पे खाना बनाऊंगी, लेकिन सब एक एक करके निकल लिए हैं। तो मैंने बनाया है छोले बॉइल करके, उसकी चाट और पराठा और रायता। और अब शाम को ये है छोले की चाट, इसमें डाले मैंने बॉइल चना, टमाटर, खीरा और केला, थोड़ी सी मीठी सौंठ, रायता, पराठा। ये बनाया आज मैंने नाश्ता। खाने का ऑर्डर दे दिया है मैंने, बॉय का बाहर का खाना बहुत अच्छी है। छोले बनाए थे लेकिन बर्थडे बॉय अवॉइड करके यहाँ आए। सैलेड आ गया जलेबी वॉफर्स और ये है रसमलाई। पूजा को पसंद आए हैं ये वेफर्स। तुम्हें कारीगरी होटल बर्थडे बॉय को खाना बहुत पसंद आया है। आ गए हम घर, करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नए ब्लॉग में। गुड बाय। खाने के बाद सौंफ जरूर खाएं।